इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियसली अभी पॉइंट की कमांड कवर की है देन टेबल्स देखे हैं हैच और ग्रेडियंट तो इस टॉपिक में हम बहुत क्विकली जो है उन कमांड्स को सम अप कर लेते हैं कि हम इन कमांड्स को क्विकली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और उनका एक बेसिक फंक्शन जो हमने अभी ऑपरेट किया वन ऑफ दी पर्पस जैसा कि माबे अब काफ़ी हमने अपनी फाउंडेशंस बिल्ड कर ली हैं और अब हम जा रहे हैं सॉलिड फाउंडेशंस की तरफ मुसल हमने बहुत माइन्यूटली और बहुत स्लो पेस के साथ लाइन सेवर करते करते अब हम uh, तकरीबन ड्रा मैन्यू को एंड करने की तरफ हम एक टेक्स्ट कमांड हमारी रह चुकी है अब हम इनको दोबारा क्विकली देखते हैं और मैं आपसे भी Uh, यही जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप भी अब अप अपनी एक्सपर्टीज़ को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखें कि क्या अब हमने जो बिल्कुल आहिस्ता स्लो पेस या हमारी क्या पेस बढ़ रही है और अगर पेस बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि हम कैड के ऊपर एक्सपर्टीज़ को थोड़ा सा और ग्रिप अपनी बढ़ा रहे हैं तो अब हम क्विकली एग्जीक्यूट करेंगे और आपने भी मेरे साथ इस टॉपिक में क्विकली एग्जीक्यूट करके कमांड है जितनी पेस हमारी कैड के अंदर बढ़ेगी उतनी ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और उतना ही हम काम को बहुत कम टाइम में करने के कैपेबल हो जाएंगे तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं इन कमांड्स का ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग इसको हम फिलहाल क्विकली जो है वो यहाँ से स्क्रीन से लेफ्ट क्लिक से हमने डिलीट कर दिया तो ये हमारे पास हमारी जो है वो एक प्लैंक ड्राइंग तो अब हम क्विक ओवरव्यू की तरफ जा रहे हैं पॉइंट कमांड हमने उसका पर्पस देख लिया था वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हम सिर्फ एग्जीक्यूशन देखते हैं कि पॉइंट कमांड को हमारे पास हमने देखा था मल्टीपल मेथड्स हैं लगाने के यहाँ पे हम पी ओ आए लिख कर भी हम लगा सकते हैं हमारे पॉइंट का यहाँ पे दोबारा हम वापस अगर स्क्रीन में आए तो जैसे ही हमने पी ओ लिखा तो पॉइंट की कमांड हमारे पास नज़र आ रही है जैसे ही हमने ये इस पर क्लिक की और हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन पी ओ एंटर और आपने पहला पॉइंट लगाया फिर आपने दूसरा पॉइंट लगाया इस कमांड को तो हमने कहा था कि पॉइंट जब हम लगाते हैं तो सिंगल पॉइंट मल्टीपल पॉइंट बाई डिफ़ॉल्ट ये सिंगल पॉइंट लगाएगा और यही हमने बात पहले भी की थी क्विकली कि अब अगर आप देखें तो पॉइंट्स हमारे लग चुके हैं बट उनका साइज़ शायद अगर आप देखें बिल्कुल ब्लैक साइए इस कर्सर के दरमियान में नज़र आ रहा है इसके नज़र ये एक बहुत माइन्यूट और एक एक छोटा सा डॉट उसने लगा दिया है बट हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट हो उसका साइज़ बड़ा हो तो इसका हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी हमने देखा था कि हम फॉर्मेट में जा से जाकर क्विकली यहाँ से भी पॉइंट स्टाइल बदल सकते हैं पॉइंट साइज़ भी बदल सकते हैं या हमारे पास ऑप्शन थी डी पी टाइप हमने एक शॉट की इस्तेमाल की थी आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ हमने पॉइंट का एक और पर्पस एक और मकसद देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन लगी हुई है जैसे ये मेरे पास एक लाइन है मैं बहुत क्विकली आर्थ ऑन कर देता हूं और ये एक लाइन है इस लाइन को अगर हमने डिवाइड करना है इंटू मल्टीपल पार्ट्स ये लाइन है और आपको टास्क मिला है कि इस लाइन के चार हिस्से कर दें पाँच हिस्से तो हमने देखा था कि बहुत मुश्किल है अगर आप इसकी डायमेंशन पहले मैयर करें फिर डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट हमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन देता है कि हम पॉइंट के अंदर जाकर ईजिली जो है वो डिवाइड की कमांड लगा के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें नंबर ऑफ पार्ट्स लिखें आप और आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव पॉइंट्स इस तरह हम पॉइंट्स की कमांड को कहीं से यूज़ कर सकते हैं जो हमें कहीं और से भी पॉइंट लेकर हम कैड के अंदर इन्जर्ट कर सकते हैं इसके साथ हमारी पैरल अभी टेबल की कमांड हमने देखी है जिसको डिफरेंट हमने मेथड देखे ऑपरेट करने के एग्जीक्यूट करने के हमने देखा कि हम यहाँ साइड बार से भी ये टेबल की कमांड मौजूद है ड्रा में साइड से हम टेबल की कमांड पिक करें तो हमारे पास एक इन्जर्ट टेबल यानी टेबल हमने कैड के अंदर लगाना है उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और इस डायलॉग बॉक्स में हमने यहाँ देखा कि आप रोज़ को बदल सकते हैं आप कॉलम्स को बदल सकते हैं आप रो हाइट कॉलम हाइट टाइटल कुछ भी बदल सकते हैं और जैसे ही हम ओके करते हैं तो हम किसी भी प्लेस के ऊपर अपना टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस वन और बाहर क्लिक करें फिर हमने टेबल के अंदर फर्दर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी कि आप सेल के अंदर जब क्लिक करते हैं किसी भी तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं आप आ, जो है वो आ, रो नई इंसर्ट कर सकते हैं आप ऊपर नीचे रो लगा सकते हैं आप रो को डिलीट कर सकते हैं कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम राइट साइड पे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं फिर हमने देखा कि आप दो कॉलम्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं ये यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन भी मौजूद है आप मर्ज के बाद अनमर्ज यानी दोबारा आप लहदा लहदा सेल्स भी बना सकते हैं ये हमारे पास सेल्स बन गए फिर हमने देखा कि किस तरह हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद थी फिर इसके साथ एसोसिएटेड हमने सेल बॉर्डर्स की बात की कि अगर आप इन दो सेल्स का बॉर्डर बदलना चाहें उसको आप कैसे बदल सकते हैं फिर इसी के साथ हमने सेल लॉकिंग की बात की कि अगर आपने इसी सेल को लॉक करना हो ताकि कोई एडिटिंग जो है वो इसके अंदर ये कंटेंट लॉक है अब इसके अंदर आप देखें तो वो एक आपका लॉक बना हुआ नजर भी आ रहा है कि आप यू कैन नॉट एडिट एनी थिंग इन दिस सेल तो आप ये भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं फिर हमने इसके साथ देखा कि जब हम एंट्रीज कर रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बाजूक होता है में लिख रहे होते हैं बाजू का डेट्स भी हमें लिखना पड़ सकता है कुछ करंसी में लिखना पड़ सकता है हमें तो यहाँ से हम ईज़िली जो है वो अपना फॉर्मेट का वो बदल सकते हैं कि नंबर्स में है किस में है फिर हमारे पास हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि हम का हमारा कोई अगर ब्लॉक बना हुआ है तो हम उस ब्लॉक को जिस तरह हमने यहाँ पे अभी एक्सपोज की थी कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम बी एंटर करते हैं ब्लॉक का नाम दे देते हैं ई और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं तो अब यहाँ पर अगर हम आएँ और यहाँ पर हम इस सेल के अंदर ब्लॉक इन्जर्ट करें तो ये हमारे पास नाम आ रहा है ई और ये उसकी शेप है और आप ओके okay करेंगे तो आप इस सेल के अंदर एक ब्लॉक को भी लगा सकते हैं फिर हमने इसी के साथ पैरेलल देखा कि आप कोई फार्मूला बिल्ड कर सकते हैं सम का किसी भी चीज़ का हमारे पास ये छः है और ये हमारे पास नीचे वाले सेल में पाँच है और अगर, अगर आपने इस दोनों का हमने सम करना हो इस नीचे वाले सेल में तो हम क्विकली यहाँ से जाकर सम का जो है फार्मूला और दोनों सेल्स को सेलेक्ट करें हम और हम यहाँ पर एंटर करें तो हमारे पास ये टोटल ग्यारह तो इस तरह हम सम भी कर सकते हैं फिर हमने यहाँ पे देखा कि हम मैच प्रॉपर्टीज़ के ये हमारे पास एक सेल है अगर इसी की प्रॉपर्टीज़ हम चाह रहे हैं यही कलर बाकियों में भी हो जाए तो आप इजीली कर सकते हैं फिर हमने इसके अंदर एंटर करके भी देखा ये आपने ए बी सी डी कुछ भी मैं क्विकली देख रहा हूँ आप वो चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी सेल के ऊपर डबल क्लिक करके इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप इसका साइज़ हमने देखा बदल सकते हैं हम एक कर सकते हैं दो कर सकते हैं हम फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं हम इसकी प्लेसमेंट बदल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली किस जगह पर होना चाहिए हम इसको बोल्ड कर सकते हैं हम इसको इटैलिक कर सकते हैं ये हमारे पास अंडरलाइन कर सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसका कलर बदल दें यहाँ से आप एंगल और इनके दरमियान टेक्स्ट के दरमियान के ये देखें आप स्पेसिंग भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं आप इसको थ्री कर दें तो ये हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट के दरमियान ऑप्शन हैं दोबारा मैं डबल क्लिक करके तो जब भी आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ से आप अब कुछ ऑप्शन ये मैंने खुद ब खुद आपके लिए छोड़ें डेलिब्रेटली ताकि आप इनको करें इस तरह हम टेबल के अंदर आ, एडिटिंग कर सकते हैं फिर इससे आगे हमने मूव करते हुए हैच कमांड की तरफ आए हमने देखा कि जब मटेरियल अप्लाई करने होते हैं हमने तब हम हैच कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने वॉल्स को शो करना होता है ब्रिक्स को शो करना होता है तो उसकी हमने शॉर्ट की देखी एच एंटर हमने ये भी देखा कि हैच कमांड जब भी ऑपरेट करनी हो उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर हम ये कमांड अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर हैच कमांड आप नहीं लगा सकते तो इसके लिए हमने रेक्टेंगल ड्रा कर ली कुछ भी ड्रा कर लिया और एच एंटर किया क्विकली और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम चाहें तो ये हम जितना जो चाहें जिस तरह की कमांड चाहें हम कर सकते हैं और हम यहाँ पर ओके करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो हैच कमांड ऑपरेट हो जाती है हैच के साथ हमने देखा कि हमारे पास एसोसिएटेड ग्रेडियंट की कमांड है तो जैसे ही हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हैच से ही हम ग्रेडियंट में मूव कर सकते हैं ग्रेडियंट हमें सॉलिड फिल बता रहा है कि सॉलिड फिल कैसे करते हैं तो यह हमारे पास ऑप्शन थी कि हम ऐड पिक पॉइंट करें और ये हमारे पास डबल क्लिक करते हैं तो हमारा कलर अप्लाई होगा ग्रेडियंट के साथ एसोसिएटेड हमने कहा इस पर क्लिक करें और एच ई हम एंटर कर दें तो ये हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद थे और हमने बात की थी सेपरेट हैचेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आपने आगे जा इसको, इसको इस्तेमाल भी करना है कि जब भी हम ये ऑपरेट कर रहे होंगे तो बाज़त हमारे जब दो चार इकट्ठे बॉक्सेस नज़र आएंगे तो इनके जो है वो जब भी सपोज ये हमारे पास हम एक क्विकली एक इसको दोबारा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स आगे जाके दे फील डिफिकल्टी आपको फील होती है बाज़ तो ये हमारे पास तीन चार हमने क्विकली जो है वो रेक्टेंगल्स लगाई हैं और हमने एच एंटर कर दिया ग्रेडियंट के हम यहाँ से मूव कर गए और यहाँ पर हमने सेपरेट हैचेस को ऑन किए बग़ैर जो है वो अगर वन टू और थ्री हमने क्लिक की और एंटर किया तो अगर आप नोट करें अब अगर हम एक के अंदर तब्दीली करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ये सारे हैचेज को कम्बाइंड सेलेक्ट कर रहा है बट अगर हम इसी हैच एडिट एच ई और एडिट में जाके हम सेपरेट हैच को ऑन करके इस एसोसिएटिव को ऑफ कर दें तो अब ये हर हैच हर ग्रेडियंट अलहदा हो चुका है आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और फिर हमने लास्ट में देखा कि जिस तरह तीन इकट्ठे हमारे पास बॉक्सेज हैं बाज़ात ये बाउंड्री लाइन जब डिसअपियर हो जाती है गायब हो जाती है तो आप इजीली जो है हैच एडिट में जाकर और आप इसको सेंड टू बैक कर कर दें एच ई और अगर हम यहाँ जाएं और हम अगर इस कलर को सेंड टू बैक कर दें तो इजीली ये बाउंड्री हमारी कभी भी गायब नहीं होगी और हमारा कलर बैक में रहेगा और हमारी लाइन फ्रंट में रहेगी तो इस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पैटर्नस अप्लाई करेंगे और डिफरेंट पार्सल्स के ऊपर डिफरेंट पॉलीगॉन्स के ऊपर डिफरेंट रेक्टेंगल्स के ऊपर ग्रेडियंट की कमांड और कलर की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो अभी हमने क्विक ओवरव्यू किया इस टॉपिक के अंदर हमने मल्टीपल जो पिछले टॉपिक्स में कमांड्स को कवर किया है पर्पज़ स्टार्ट में भी मैंने बता दिया था कि पर्पज़ हमारी फाउंडेशन बिल्ड और स्पीड पेस बढ़ाना है तो अब हमने क्विकली वो काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स की कम्बाइंड हमने टॉपिक्स की बातें थी वो एक टॉपिक के अंदर कवर की हैं और होपफुली जिस स्पीड से मैंने अभी कवर की हैं आई होप कि आप इसी स्पीड के साथ आप जब इस टॉपिक पर आएंगे तो आपकी पेस भी मेरे वाली पेस ही होगी और यही पेस हमें आगे जाके काम देगी जब हम किसी भी सॉलिड और अपने प्रोजेक्ट की तरफ सॉलिड ऑब्जेक्ट और अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे